हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है देश में कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12 लाख के पार हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक दिन में कोरोना के 45,700 से ज्यादा नए केसेस आ गए। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 1,129 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,48,435 हो गई है। मौत के मामलों में भारत ने स्पेन को अब पीछे छोड़ दिया है। ये बहुत डरावना आंकड़ा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी भारत पे 45,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में नहीं आए थे। 12 लाख पार हो गया है कोरोना की मार। तो देश में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अगर कुल आंकड़े की बात करें तो 12 लाख को पार कर चुका है। एक दिन में हैरान करने वाला आंकड़ा जो सामने आया है वो ये है कि 45,720 लोग एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए। 1,122 लोगों की 24 घंटे में मौत भी हुई है। देश में कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण की स्थिति जबरदस्त तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच ICMR अभी भी कह रहा है कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ नहीं बढ़े हैं, जबकि मरने वालों के आंकड़ों में अब हमने स्पेन को पीछे छोड़ दिया है। बहुत डरावनी स्थिति, बहुत संभल जाने वाली स्थिति। ICMR ने खुले तौर पर भले ही ऐलान न किया हो, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था ने कह दिया है कि हम कम्युनिटी जो स्प्रेड है उसकी स्टेज को एंटर कर गए हैं। 9:35 हो रहे हैं। देश में कोरोना के केस जो है वो 12 लाख के पार पहुंच गए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि कहां देश में कितने केसेस सामने आए। देखिए, एक लाख जो है वो पहले केस से लेकर 1 लाख केस 111 दिन में आए। फिर 1 लाख से 2 लाख आने में केवल 15 दिन, यानी कि पहले हमें 111 दिन लगे, लेकिन 1 से 2 लाख यानी 1 लाख पार करने में केवल 15 दिन लगे। 2 लाख से 3 लाख पहुंचने में महज 10 दिन का वक्त लगा, यानी 5 दिन और कम हो गए। उसके बाद 3 लाख से 4 लाख पहुंचने में हमें सिर्फ 8 दिन लगे। देखिए दायरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण का। संभल जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत तेजी से संक्रमण पैर पसार रहा है देश के बड़े शहरों से छोड़कर अब छोटे राज्यों में। 4 लाख से 5 लाख पहुंच गए हम केवल 6 दिन में। इसके बाद 5 लाख से 6 लाख पहुंचने में भी हमें 5 दिन का वक्त लगा। लगातार दिन कम होते जा रहे थे और नंबर बढ़ते जा रहे थे। संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा था। 6 लाख से 7 लाख 5 दिन लगे 6 से 7 लाख पहुंचने में। इसके अलावा 7 से 8 लाख, फिर 1 लाख बढ़ने में हमें 4 दिन लगे। दिन कम होते चले गए, संक्रमण का दायरा बढ़ता चला गया। 8 लाख से 9 लाख पहुंचने में हमें महज 3 दिन का वक्त लगा है। ये भी हैरान करने वाले आंकड़े। 9 लाख से 10 लाख पहुंचने में भी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का ही वक्त लगा 9 से 10 लाख पहुंचने में। इसके अलावा 10 लाख से 11 लाख आने में हमें केवल 3 दिन का वक्त लगा। समझिए इस बात को। तो हर दिन जो 1-1 लाख के हम आंकड़े आपको बता रहे हैं वो 3-3 दिन में महज पिछले कई दिनों में सामने आ रहे हैं। उसके बाद 11 लाख से 12 लाख पहुंचने में भी 3 दिन का ही वक्त लगा। इसीलिए ये आंकड़े डराते हैं और लगातार एबीपी न्यूज इसीलिए आपसे अपील कर रहा है कि मास्क पहनिए और कोरोना से दूर रहिए। मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, किसी भी शरीर के अलावा फॉरेन एलिमेंट को छुएं तो हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, और बचाव ही इस बीमारी का इलाज है। इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हाथ धोते रहिए और मास्क जरूर पहनिए। घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाइए। हम दुनिया भर में क्या आंकड़ा है, कोरोना का कहर किस तरह से पैर पसार रहा है। अमेरिका में 41 लाख केस आ चुके हैं अब तक। मौत का आंकड़ा 1,46,140 है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, यहां पर 22,31,871 केस आए हैं, 82,890 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर भारत है, 12,38,635 केस आए हैं और 29,861 लोगों की मौत हो गई है। मौत के मामले में भारत ने स्पेन को भी अब पीछे छोड़ दिया है। चौथे नंबर पर रूस है और पांचवें नंबर पर साउथ अफ्रीका है। रूस में करीब 7 लाख के आसपास केस हैं और साउथ अफ्रीका में 3.5 लाख केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर भारत में आंकड़ा कोरोना संक्रमण का 12 लाख के पार पहुंचा। 12 लाख पार कोरोना की मार हमें अच्छे से याद है। नमस्ते भारत नहीं, सबसे पहले आपको बताया था कि कैसे 1 लाख का दायरा हमने पार कर लिया है। और देखिए कितना कम वक्त आज नमस्ते भारत ये आपको बता रहा है कि हम 12 लाख के पार पहुंच गए हैं। दिन कम हो रहे हैं, संक्रमण लगातार फैल रहा है। इसकी वजह एक ये भी है क्योंकि लगातार टेस्टिंग बढ़ाई गई है, तो ये भी एक वजह है कि आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक 5